हेलो एवरी वन एंड वेरी वो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ शिक्षा गईस पार्ट सिक्सटीन आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का ना एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स ऑलरेडी काफ़ी सारे पार्ट्स हम उसके अंदर कवर अप कर चुके हैं इकनॉमिक सर्वे वाला एरिया भी उसके अंदर हमने कवर किया था तो अगर आप नबार्ड का फेज़ टू दे रहे हो या आप आई बी पी एस सी एफ ओ या किसी भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिशन नबार्ड ग्रेड बी का जो डेवलपमेंट असिस्टेंट का पेपर निकला नबार्ड का उसके अलावा एफ वगैरह के अगर आप कोई भी पेपर दे रहे हो तो सबके लिए ये करंट uh, अफेयर्स के जो लेक्चर्स हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट uh, रहेंगे तो अगेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी लुकिंग एट सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड फिर उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को हम कवर अप करेंगे बिफोर वी प्रोसीड अहेड लेट मी टेल यू अबाउट दिस टू प्लस नॉन वीडियो कोर्स जो वीडियो हैं जो लेक्चर्स हैं वो तो यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहे हैं एक हमारा एग्रीकल्चर का एम सी क्यू कोर्स है uh, जो नॉन वीडियो है लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसके अंदर आपके लिए अवेलेबल रहती है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है बहुत ही लो प्राइसेस के ऊपर ये कोर्स आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है फिफ्टी परसेंट ऑफ इसके ऊपर जो है वो चल रहा है अराउंड थ्री हंड्रेड रुपीज़ का ये कोर्स पड़ता है आपको और आप आज खरीदते हैं तो इसके अंदर डेफिनेटली टू हंड्रेड टू थाउजेंड के बाद ये थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड के लेवल पर भी पहुँच जाएगा लेकिन जो परचेज़ कर लेंगे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है जब तक मर्जी यूज़ करो हैप्पी फिफ्टी कोड आपको यूज़ करना है अब फटा फटाफट से आ जाते हैं हमारे एम सी क्यूज़ के ऊपर एंड हेयर इज द फर्स्ट एम सी क्यू वर्ल्ड कोकोनट डे ठीक है पहला क्वेश्चन क्या है सीधा सीधा सा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कोकोनट डे जो है इट्स सेलिब्रेटेड ऑन एक्स टू कमेमोरेट द फाउंडेशन डे ऑफ इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी ठीक है तो यहाँ पर एक तरीके से क्वेश्चन में उसने ये बता दिया कि वर्ल्ड कोकोनट डे को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है या किस दिन किया जाता है जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी का फाउंडेशन डे होता है और इस बार का जो थीम था वो भी आपको गिवन है कल्टिवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी फ्यूचर एंड लाइफ तो दो फैक्ट तो इसके अंदर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही गिवन है एक कि इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी के फाउंडेशन डे पे वर्ल्ड कोकोनट डे को सेलिब्रेट किया जाता है और दूसरा कि थीम इसका क्या है कल्टिवेट कोकोनट फॉर हैप्पी फ्यूचर एंड लाइफ तो ऑप्शन यहाँ पर है सेकंड सेप्टेम्बर ट्वेल्थ थर्टी फर्स्ट ट्वेंटी फोर्थ या इन ऑफ दी अब तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है देखो ये तुक्का लगाने वाला क्वेश्चन इसके अंदर नहीं होता और अगर आपका ये फेज टू नबार्ड की अगर मैं बात करूँ जो क्लोजेस्ट है अभी हमारे अगर उसके अंदर आएगा तो ये वन मार्कर में आपका क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है ठीक है आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन ए सेकेंड सेप्टेम्बर अच्छा देखो अब ये वन मार्कर में आ गया ना जैसे नबार्ड के अंदर क्या होता है कि वो आपसे पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी पूछता है जिसके अंदर एक सिंगल पैराग्राफ आपको गिवन होता है और उसके ऊपर दो या तीन क्वेश्चन बेस्ड होते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल वो रेफरेंस दे देता है कि वर्ल्ड कोकोनट डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है फाउंडेशन डे ऑफ इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी इसके ऊपर सरकार ने ये 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 चीजें की फिर नीचे वो क्वेश्चन कह देता कि बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट आंसर फ्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस तो जब वो क्वेश्चन आपको पूछता तो एक क्वेश्चन पूछ लेता कि किस दिन होता है आंसर हो जाता है सेकेंड सेप्टेबर जैसे यहाँ पर है एक वो पूछ लेता कि इसका थीम क्या था नीचे चार पांच ऑप्शंस में थीम दे देता और आपका थीम हो जाता कल्टीवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी फ्यूचर एंड लाइफ ही आपका राइट आंसर हो जाता चलो जी उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ वर्ल्ड कोकोनट डे के ऊपर थोड़ी सी जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं सेकंड सेप्टेम्बर इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी का फाउंडेशन डे थीम कल्टीवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी एंड फ्यूचर एंड लाइफ और ये इस साल जो आ, एडिशन था ये ट्वेंटी फोर्थ एडिशन था ठीक है टाइम बेसिकली वर्ल्ड कोकोनट डे को सेलिब्रेट किया गया सेकंड क्वेश्चन के ऊपर फटाफट से आ जाएंगे सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोलता है अच्छा जब आ जाता है ना समझ लेते हो क्वेश्चन को उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने की जरूर कोशिश करें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर टूडे रिलेक्सड द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ ट्वेंटी फाइव क्विंटल फॉर परचेज ऑफ मूंग एंड अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम ड्यूरिंग द समर सीजन ट्वेंटी ट्वेंटी टू फॉर फार्मर्स इन मध्य प्रदेश ये सितंबर के करंट अफेयर में से बेसिकली क्वेश्चन है सितंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो बिल्कुल लेटेस्ट है इसी वजह से आपके यहाँ पर मैंने इसको डाला है आई बी पी एस एफ ओ और नबार्ड के जो भी एग्जाम्स हैं सबके अंदर पूछा जा सकता है तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है पहले जो मध्य प्रदेश के अंदर जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है उसके अंदर मूंग और उरद जो फार्मर से सरकार प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर प्रोक्योर करती थी वो 25 क्विंटल तक होती थी कि 25 क्विंटल तक सरकार इंडिविजुअल फार्मर से प्रोक्योर कर सकती है मध्य प्रदेश में अब सरकार ने इसको बढ़ा करके इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी है तो 25 से कितना कर दिया है ऑप्शन ए 30 बी 35 सी 40 डी 45 या ई e, 50 ए 30 बी 35 सी 40 डी 45 ई e, 50 ठीक है सो so, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फोर्टी तो पहले ट्वेंटी फाइव क्विंटल मध्य प्रदेश की सरकार प्रोक्योर कर सकती थी प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर मूंग और उड़द लेकिन अब ये बढ़ा करके फोर्टी क्विंटल तो फैक्चुअल क्वेश्चन है ठीक है जो नियर उन, बाय एग्जाम्स हैं उन्हीं में ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज हैं बाकी के एग्जाम्स के लिए यानी कि एक साल बाद अगर कोई एग्जाम है तो उसके लिए ये रेलिवेंट नहीं है थर्ड क्वेश्चन अगेन थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है लेकिन करंट अफेयर्स में से हमने डायरेक्टली उसको पिकअप किया है महलनॉबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर इसको इनाग्रेट किया गया था और ये बेसिकली एज अटैच ऑफिस काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का किस साल में इसको इनाग्रेट किया गया था ये इसका क्वेश्चन है तो यहाँ पर ही आपके ऑप्शन हैं अगेन अगर पढ़ा हुआ है महल नेशनल क्रॉप फॉरकास्ट सेंटर के बारे में इसको एम एन सी एफ ए सी भी बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है वो कि एम क्या होता है ठीक है तो ये दो के अंदर इसका इनाग्रेशन किया गया था करंट अफेयर में ये क्यों था न्यूज़ में ये क्यों था न्यूज़ में ये इसीलिए था बेसिकली क्योंकि सरकार ने ना अभी एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है कि कैसे ये जो महलनौबिस नेशनल क्रॉप फोर का सेंटर है इसके अंदर डिजिटलाइजेशन या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेकर के आए जा सकते हैं ठीक है जी 2012 में इसको बनाया गया था और इसका मेन काम ही ये था कि कैसे ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज और जीआईएस टेक्नोलॉजीज को यूज करे क्रॉप एस्टीमेशन के लिए ठीक है तो इसी वजह से ये बेसिकली न्यूज में था क्योंकि सरकार ने एक टेक्निकल ग्रुप बनाया उसके अलावा इसमें ज्यादा कोई चीजें नहीं है फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन है रिलेटेड टू अगेन ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है सेप्टेम्बर के मंथ से अभी हमने पिकअप किए हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के एंड सारे क्वेश्चन स्ट्रिक्टली फ्रॉम पी हैं इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च विद इट्स नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट एंड क्रॉप साइंस डिविजन इज ऑर्गेनाइजिंग अ हैकाथॉन थ्री पॉइंट ओ कृतज्ञ कृतज्ञ ठीक है कृतज्ञ जो हैकाथॉन है ये क्या प्रमोट बेसिकली करेगा ऑप्शन ए जो कृतज्ञ थ्री पॉइंट ओ है ठीक है इससे पहले दो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट इनोवेशन इन फार्म मैकेनाइजेशन इनोवेशन इन एनिमल साइंस वेदर फोरकास्ट नन ऑफ दीज तो यहाँ पर आपका क्या बेसिकली थीम क्या है कृतज्ञ थ्री पॉइंट ओ हैकाथॉन का तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जो आपका ऑप्शन बी में थीम की बना ना इनोवेशन इन फार्म ये कृतज्ञ वन के अंदर था और कृतज्ञ टू के अंदर था इनोवेशन इन एनिमल साइंसेस अब मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे आपको ये बताना है कि ये जो कृतज्ञ है कृतज्ञ का बेसिकली मीनिंग क्या है फुल मीनिंग ठीक है इसके अंदर ना तीन पार्ट्स में ये डिवाइड होता है क्री टा ठीक है तो आपको इसका मेरे को फुल मीनिंग बताना है ये भी आपको इजीली पीआईबी के अंदर मिल जाएगा लेकिन आप लोगों ने बताना है फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं इंडिया विल होस्ट द डैश सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर फ्रॉम नाइनटीन टू ट्वेंटी फोर्थ सेप्टेंबर ट्वेंटी इन डैश तो इंडिया बेसिकली इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर का सेशन जो है वो होस्ट करेगा कौन सा सेशन होस्ट करेगा और कहाँ होस्ट करेगा फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है एक्स की जगह पर क्या आएगा यानी कि कौन सा सेशन इंडिया होस्ट करेगा तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा कौन सा सेशन होगा ये ये बेटा जो इंडिया सेशन होस्ट कर रहा है ये इसका नाइन्थ सेशन है ठीक है किसका इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर का और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि वाई की जगह पर क्या आएगा बेसिकली इंडिया में इसको कहाँ पर पोस्ट किया जाएगा या कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑप्शन ए था न्यू डेली बी बेंगलोर सी पुणे डी भुवनेश्वर ई नन ऑफ दी अबव तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए न्यू डेली न्यू डेली के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो बेसिकली ये जो आपकी इंटी इंटरनेशनल ट्रीटी है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है और नवंबर 2001 में इसको अडॉप्ट किया गया था रोम के अंदर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का थर्टी सेशन चल रहा था रोम में उस समय इसको अडॉप्ट किया गया था और दो में ये फोर्स में आया इसके अंदर करेंटली 149 पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया हुआ है इंडिया उनमें से एक है इस बार का जो थीम है जो नाइन्थ ये सेशन हो रहा है इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में इसका जो थीम है दैट इज़ सेलिब्रेटिंग द गार्डियंस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी टूवर्ड एन इंक्लूजिव पोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये इसका इस बार का थीम है ओके एंड बेसिकली ये जो ट्रीटी है ये एक कन्वेंशन है जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसको उसके साथ रिलेट करती है क्योंकि ये क्या कहती है कि हमें यार फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है थ्रू कंजर्वेशन ठीक है कि कैसे हम सस्टेनेबल यूज़ कर सकें वर्ल्ड के जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं ताकि पूरी दुनिया के अंदर हम एक फूड सिक्योरिटी मैकेनिज्म या कंजर्वेशन मैकेनिज्म को लेकर के आ सकें एंड दूसरा है इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ प्रॉफ़िट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप अफ्रीका के जंगलों में से कोई यूएस का आदमी कोई अमेरिका का साइंटिस्ट अफ्रीका के जंगलों में से कोई खोज करके ले गया एंड अल्टीमेटली उसका फ़ायदा वहाँ के लोकल कम्युनिटी को हो ही नहीं रहा तो इक्वल इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स क्या कहती है कि इसके अंदर हमें ये सिस्टम नहीं रखना है कि जो रिच लोग हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं लोग सिर्फ वही इन बेनिफिट्स को रीप करें इट शुड बी फॉर एवरी इस आ, ट्रीटी का एक आर्टिकल नाइन है इसके अंदर राइट ऑफ फार्मर्स का जिक्र आपको देखने को मिलता है और इसी आर्टिकल नाइन के ऊपर आप देखोगे कि इंडिया का एक पूरे का पूरा कानून है जो आ, आपका फार्मर राइट्स एक्ट है 2001 का उसके अलावा एफ ने भी एक इवेंट रखा था जब ये नाइन्थ सेशन चल रहा था उसी के साइडलाइन के ऊपर एफ ने एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेज ट्वेंटी थ्रू का एक साइड इवेंट ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली के अंदर ठीक है तो बस इतना याद रख लीजिएगा कि दिल्ली के अंदर ये एफ ने साइड इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उससे ज्यादा इसके अंदर खास बातें कुछ नहीं थी साइड इवेंट के अंदर सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे एज पर फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ मेजर खारीफ क्रॉप्स फॉर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एयर्स तो दो हज़ार बाईस तेईस के ख़ारीफ सीजन के फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स सेप्टेम्बर मंथ के अंदर रिलीज़ हो चुके हैं फेज़ वन में आप ऑलरेडी देख चुके हो कि एडवांस्ड एस्टिमेट्स के ऊपर से क्वेश्चन आ चुका है फेज़ टू के अंदर भी आ सकता है आई बी पी एस एफ ओ के अंदर भी आ सकता है डेवलपमेंट असिस्टेंट के पेपर के अंदर भी आ सकता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ मेजर खारीफ क्रॉप्स पूछा है यहाँ पर तो आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा ऑप्शन ए में है 149.92 मिलियन टन बी में 159.92 सी में 169.92 डी 179.92 एंड ई e वन एटी अगेन तुक्के लगा करके तो कुछ यहाँ पर मिलने वाला है नहीं तो द राइट आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन ए वन मिलियन टन्स का जो है प्रोडक्शन है खारीफ क्रॉप्स के अंदर ट्वेंटी तो के अंदर ठीक है जी तो फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स आपके यहाँ पर हैं और फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है वो 149.92 मिलियन टनस का है उसमें राइस है 104.99 न्यूट्री कोर्स सीरियल हैं 36.56 पॉइंट मेज ट्वेंटी जो एक रिकॉर्ड है पल्सेज एट पॉइंट थ्री सेवन एंड तो थ्री पॉइंट एट नाइन ये सारे के सारे याद करने पड़ेंगे एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा सकता है ऑयल सीड्स का टोटल है 23.57 जिसमें ग्राउंड नट है 8.37 एंड सोयाबीन है आपका 12.89 कॉटन 34.19 मिलियन बेल्स एक बेल के अंदर 170 सेवेंटी के जी होता है जू टेन मेंस्टा टेन पॉइंट जीरो नाइन मिलियन बेल्स एक बेल के अंदर वन एटी के जी होता है शुगर केन का भी जो है रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है फोर सिक्सटी फाइव पॉइंट जीरो फाइव मिलियन टन ये हर वैल्यू याद करनी है ये हर वैल्यू याद करनी है अगर आप फेज टू देने जा रहे हो तो आपको हर वैल्यू याद रखनी है अगर आप अपना डेवलपमेंट असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हो हर वैल्यू याद रखनी है अगर आप एफ uh... का पेपर देने जा रहे हो हर वैल्यू याद रखनी है आने वाले एक दो महीने के अंदर अगर आपका दो महीने तीन महीने के अंदर अगर आपका कोई स्टेट का एग्रीकल्चर का एग्जाम है तो आपको हर वैल्यू याद रखनी है ठीक है ओके okay जी उसके बाद कुछ और पॉइंट्स इसके अंदर देख लेंगे तो टोटल फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन हुई है 149.92 मिलियन टन्स की अगर हम ये पिछले पाँच साल का एवरेज देखते हैं कि पिछले पाँच साल में ऑन एन एवरेज खारिफ़ सीजन के अंदर कितनी फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो रही थी तो उससे ये 6.98 मिलियन टनस जो है वो ज़्यादा इस बार हमें देखने को मिला यानी कि हमने एवरेज पिछले पाँच सालों की एवरेज से ज़्यादा प्रोड्यूस किया है सिमिलरली राइस के अंदर भी अगर आप देखोगे जो 104.99 है ये भी हाईर है पिछले पाँच साल की एवरेज से मेज के अंदर भी अगर आप देखोगे तो 23.10 मिलियन टन हमने प्रोड्यूस किया है और ये एवरेज मेज़ जो प्रोडक्शन है उससे काफ़ी ज़्यादा है 3.21 मिलियन टन ज़्यादा है इसका भी मैं एक पूरे का पूरा टेबल दिखा देता हूँ आपको टेबल में से इजिली आपको समझ आ जाएगा ख़ारीफ और जो कोर्स न्यूट्री या कोर्स सीरियल जिनको आप बोलते हो उसके अंदर भी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हुआ है एवरेज से ज़्यादा हुआ है एवरेज 33.64 है पिछले पाँच सालों का इस बार 36.56 हुआ है एंड टोटल जो ख़ारिफ की पल्सेस प्रोडक्शन है वो 8.37 मिलियन टन्स है ऑयल सीड्स के अंदर भी आपको इंक्रीज देखने को मिलता है एवरेज से ज़्यादा देखने को मिलता है शुगर केन की बात करें तो शुगर केन में तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हमने की है Uh, 2022-23 बाईस के अंदर जो प्रोडक्शन हुई है वो एवरेज प्रोडक्शन से 91.59 मिलियन टन ज्यादा है पिछले पाँच सालों की कॉटन की बात करें तो कॉटन के अंदर भी आपको काफी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिलता है ओके okay. uh, एक यहाँ पर टेबल मुझे आपको दिखाना था वो टेबल एक सेकेंड रुको ये टेबल गलती से आगे आ गया है चलो इसको पहले देख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो ये सारा आपका जो uh, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आई गॉट कंफ्यूज ठीक है जी तो ये आपका सारे का सारा जो है डाटा uh, है रिलेटेड टू द फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट ओके चलिए अब एर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे एर्थ क्वेश्चन था कि इंडियाज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज इन द फर्स्ट फोर मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री पहले चार महीने यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई ठीक है तो इन चार महीनों के अंदर 2022-23 में इंडिया का एक्सपोर्ट जो है एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का वो कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर प्रीवियस यानी कि इक्कीस बाईस वाला तो उसके मुकाबले कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ दस बीस तीस चालीस या नौ तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट से इंक्रीज़ हुआ है इन चार महीनों में जो भी हमारे पास डाटा आया है तो प्रोविजनल डाटा रिलीज हुआ है और ये डाटा रिलीज किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स ने इस डाटा को रिलीज किया है थर्टी परसेंट से इंक्रीज देखने को मिला फर्स्ट फोर मंथ्स के अंदर अगर हम पिछले ईयर के मुकाबले कंपेयर करें और इंडिया ने इस बार जो टारगेट सेट किया है कि पूरे साल के अंदर 2022-23 के अंदर जो टारगेट सेट किया गया है दैट वॉज फॉर 23.56 थ्री बिलियन यूएसडी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का इस 23.56 में से 9.59 बिलियन यूएसडी तो हमने पहले चार मंथ के अंदर ही अटेन कर लिया है ठीक है जी एंड uh, सरकार ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स uh, लिए हैं एंड uh, 40 परसेंट टारगेट ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं एज सीन फ्रॉम द डेटा ओके उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स uh, आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर हमारा चार परसेंट का ग्रोथ हमें देखने को मिला है एज कम्पेयर टू द फोर मंथ्स ऑफ टू थाउजेंड

बासमती राइस में 29.13 परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला है और नॉन बासमती में 9.24 परसेंट का उसके बाद मीट डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें 11.69 परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला है एंड अदर सीरियल्स दैट इज अपार्ट फ्रॉम राइस 22.26 परसेंट का एक्सपोर्ट इंक्रीज देखने को मिला है डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर 61.91 परसेंट का इंक्रीज़ देखने को मिला एक्सपोर्ट में एज कंपेयर्ड टू द फोर मंथ्स ऑफ 21 21-22. ओके जी उसके अलावा जो आपका डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कंट्री के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स हैं 19.92 परसेंट से इंक्रीज़ हुए हैं ट्वेंटी वन के अंदर जो पिछला पूरा साल था 2021-22 वाला उसमें 19.92 परसेंट से हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ था ये डायरेक्टली पेपर के अंदर वो पूछ सकता है कि 2021-22 में इंडिया का जो एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट था वो कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ ठीक है और क्योंकि अगर आप दो हज़ार में देखते हो दो हज़ार में हमारा सेवनटीन था दो हजार में ये बढ़कर के नाइनटीन हो गया है ठीक है 2021 हजार में हमारा जो टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था दैट वाज अराउंड 50.21 बिलियन यूएसडी एंड इसका बीस इक्कीस के अंदर 41.87 बिलियन यूएसडी था ये सारे का सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर गिवन है अब 2022 23 में अगर आप देखते हो तो क्लोरिकल्चर जो है 35 फाइव ये ट्वेंटी है ये थर्टी नहीं है ट्वेंटी है फ्लॉरीकल्चर के अंदर 12.37 परसेंट का इंक्रीज है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में 5.69 पॉइंट सिक्स नाइन फ्लॉकल्चर सीड्स में 8.39 का इंक्रीज़ है इसी तरीके से ये सारे परसेंटेज इंक्रीजेज यहाँ पर आपको गिवन है फ्रेश फ्रूट्स में 7.85 फ्रेश वेजिटेबल्स में 0.35 ये आपके सब्जेक्टिव आंसर के अंदर भी डाटा आपको काफ़ी यूजफुल रह सकता है ठीक है अगर आप एक्सपोर्ट देखते हो पल्स का पल्स में अगर आप देखोगे कि इक्कीस बाईस में हमने सिर्फ सेवेंटी एट मिल यू मिलियन का एक्सपोर्ट किया था अब ये बढ़ करके इन चार महीनों में बाईस तेईस के चार महीनों में टू फिफ्टी टू मिल यू मिलियन का हो गया तो टू ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन एट परसेंट से इंक्रीज़ आया ठीक है तो अगर पल्सिस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता तो आप कह सकते हो कि इंडिया अच्छा काम कर रहा है एक्सपोर्ट के अंदर दो हज़ार से लेकर के दो हज़ार के चार महीने और दो हज़ार के चार महीने के अंदर टू ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन एट परसेंट का इंक्रीज़ देखने को मिला है ठीक है तो ये डाटा आप ऐसा सच यूज़ कर सकते हो प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स के अंदर ट्वेंटी वन पॉइंट फोर एट परसेंट का प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड जूसेस के अंदर एट पॉइंट फोर एट परसेंट का प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर फिफ्टी पॉइंट सिक्स वन परसेंट का लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स के अंदर एलेवन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला ठीक है उसके अलावा आप ग्राउंड ग्राउंडनट गारगम सीरियल प्रिपरेशन कोकोआ प्रोडक्ट सबके अंदर आप देखोगे इंक्रीज़ देखने को मिलेगा माइल्ड प्रोडक्ट्स में वन सिक्सटी फाइव पॉइंट टू जीरो है तो हर जगह पर यहां पर इंक्रीज हमें देखने को मिलता है बासमती राइस में ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन थ्री व्हीट में टू हंड्रेड एंड एटीन पॉइंट जीरो एट परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला है ठीक है चलिए नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाए विच फ्रूट इज लोकली नोन एज चुली इन लद्दाख लद्दाख में किस फ्रूट को लोकली चुली कहा जाता है ए ऐप्रिकॉर्ड बी पॉमिग्रेनेट सी पाइन एपल डी एप्पल एंड ई नन ऑफ दी अबव ठीक है तो बेसिकली इस फ्रूट से रिलेटेड ना लद्दाख से फ्रूट बिलोंग करता है और दुबई वगैरह में ना इंडिया ने एक्सपोज ऑर्गेनाइज किए थे इसके और मेजर प्रोडक्शन जो है वो वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर भी है लद्दाख इस फ्रूट से रिलेटेड तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए एप्रीकॉट एप्रीकॉट को चूली बोला जाता है लद्दाख में इसी से इस रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टेट या यूटी एप्रीकॉट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर ऑप्शन ए राजस्थान बी उत्तर प्रदेश सी लद्दाख डी असम ई e, उत्तराखंड तो यहाँ पर भी आपका क्या सही आंसर होगा यहाँ पर भी सही आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एप्रीकॉर्ट का तो थोड़ी सी इस न्यूज से रिलेटेड जो पॉइंट्स गिवन थे न्यूज़ तो मैंने आपको बता दी दुबई के अंदर एक्सपो वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो इसके अंदर पीआईबी में जो न्यूज थी उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो वो यहाँ पर देख लो लद्दाख बिगेस्ट एप्रीकॉट प्रोड्यूसर है टोटल प्रोडक्शन फाइव वन फाइव सेवन एट नाइन टन की करता है जो पूरे देश का सिक्सटी टू परसेंट प्रोडक्शन है ठीक है उसके अलावा ड्राई एपटिकॉ एप्रीकॉट में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर निकल करके आता है और जो एरिया अंडर एप्रीकॉट कल्टिवेशन है वो भी सबसे ज़्यादा लद्दाख में है टू हेक्टेयर्स उसके अलावा लद्दाख के अंदर अलग अलग जेनोटाइप्स मिलते हैं एप्रीकॉट के जो यूनिक हैं एक तरह से लद्दाख के लिए और उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि टी एस एस कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है ठीक है फ्लावरिंग और फ्रूट मेचोरिटी लेट एंड एक्सटेंडेड है वाइट सीड स्टोन फेनोटाइप्स उसके अंदर जो है वो मिल जाते हैं हमको उसके अलावा लद्दाख एप्रीकॉट को आप दो ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर जो है कैटेगराइज कर सकते हो एक जो है कैर्नल टेस्ट होता है जिसका और एक स्टोन कलर होता है ठीक है अब जिन जिन फ्रूट्स के जो पार्ट होता है वो कड़वा होता है हल्का बिटर होता है उसको वहाँ पर लोकली बोला जाता है खांटे मीनिंग कड़वा कड़वापन बिटर जिसको हम बोलते हैं और स्वीट कर्नल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं लद्दाख में नियरमो ओके और फिर इसको फर्दर दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है जो सीड स्टोन का कलर होता है जिन फ्रूट्स के वाइट सीड स्टोन होते हैं उनको बोला जाता है रैक्से कार्पो और जिनका ब्राउन सीड स्टोन होता है उसको ओनली रैक्से ओके दिस इज अबाउट एव रिकॉर्ड और राइट तो ये थे टेन क्वेश्चन जो वी हैड टू डिस्कस और ये सारे पी आई बी से हमने डायरेक्टली इनको कवर uh, अप किया है एंड uh, फिर भी इफ देर इज एनी थिंग यू कैन गेट इन टच व्हाट्सएप ईमेल कमेंट टेलीग्राम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और राइट सो थैंक यू एंड बाय